हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस एकेडमी। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट टोपोलॉजी हमने स्टार्ट कल किया था। फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ ली है एंड ये सेकंड डेफिनेशन है यूनिट फर्स्ट की। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो सेट, वो हम पढ़ चुके हैं। जिसने ये वीडियो अभी देखा है वो पहले की वीडियो सेट वाली देख लीजिए एनएस एकेडमी पे, व्हाट इज अ सेट। हम अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो है नल सेट। व्हाट इज अ नल सेट? देखिए, नल सेट जैसे हम सुनते हैं नल, तो इसको साउंड करता है निल। निल मतलब होता है खाली। ऐसे ही नल से सेंस यही लगा लीजिए कि जैसे नील यानी खाली, वैसे नल यानी भी खाली। नल सेट हिंदी में समझते हैं इजी में। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो खाली है। तो नल सेट की डेफिनेशन हो गई अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो नल सेट कहलाता है। समटाइम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट इज सच दैट एम्प्टी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी उसे समझाने की प्रॉपर्टी कुछ होती नहीं, हम उसे समझा ही नहीं सकते। तो ऐसा जो सेट होता है उसे हम कहते हैं एम्प्टी, यानी वो खाली है। सच अ सेट इज कॉल्ड नल सेट। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? नल सेट। एन एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, एम्प्टी सेट को और क्या कह सकते हैं? वॉइड सेट। एन एम्प्टी सेट और वॉइड सेट जनरली डिनोटेड बाय द डेनिश लेटर फाइ। इसको हम कहते हैं फाइ, डेनिश लेटर फाइ। और ये खाली ब्रैकेट बना दिया मतलब ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखा, यानी कि ये एक एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है या फिर नल सेट है। दस इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि फाइ इक्वल टू एन सच दैट एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन इस प्रकार है कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमने यही पढ़ा है कि समटाइम अ सेट इज नॉट हैविंग अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम इसे कह देते हैं ये एम्प्टी सेट है। फाइ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। एक्स इस प्रकार है कि एक्स इक्वल नहीं है एक्स के। तो इस तरीके से ये दे दिया हमने एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारी नल सेट की डेफिनेशन हो गई कम्प्लीट। तो ये पांच नंबर में, तीन नंबर में क्वेश्चन आता है नल सेट। सेट इस तरीके का आएगा कि व्हाट इज अ सेट एंड नल सेट एंड और भी कोई एक डेफिनेशन आ सकती है। यानी एक क्वेश्चन में दो तीन डेफिनेशन पूछते हैं, तो आपको डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। तो ये बाय वर्ड, वर्ड्स में याद रखिए एंड एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज के लिए फिर ये वाला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।